हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हमारी सारी आइटम्स का रेगुलर प्राइस और होलसेलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स का अलग-अलग प्राइसिंग किस तरह से मैनेज करना है और अलग-अलग प्राइसिंग को अलग-अलग कस्टमर के ऊपर किस तरह से असाइन करना है वो इसमें देखते हैं। मोस्टली हम हमारे बिजनेस के अंदर जो रनिंग आइटम्स होती है उसका प्राइस हम डिफाइंड होता है, फिक्स प्राइस रखते हैं, पर कभी कभी हमारे जो कुछ स्पेसिफिक कस्टमर्स होते हैं, कुछ चूजन कस्टमर्स होते हैं जिनके लिए हम उनका स्पेशल प्राइसिंग रखते हैं, या फिर कुछ सेट ऑफ कस्टमर्स होते हैं जैसे कि होलसेलर्स हैं या डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, तो उनके लिए प्राइस हम कुछ अलग रखना चाहते हैं। तो उसके लिए फिर हम डील बनाते वक्त हम अलग अलग प्राइसिंग को याद करना नहीं चाहते, या फिर हम ऑब्वियसली हम याद नहीं रख सकते कि कौन कौन सी आइटम का कौन से कस्टमर के लिए क्या प्राइस डिफाइंड है, तो वो सोफ्रे को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हैं। आइए देखते हैं इसको किस तरह से इजीली मेंटेन किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, हम आइटम मास्टर के अंदर हमारे पास आइटम्स बनी हुई है, वीडियोकॉन एलईडी स्क्रीन 40 इंचज़ और LG स्क्रीन 40 इंचज़, ये दो आइटम बनी हुई है। दोनों के ऊपर हम रेगुलर प्राइजेस डिफाइन करके रखा है हमने। फॉर एग्जांपल, हम इसको 40 इंचज़ को 40,000 डिफाइन कर देंगे रेगुलर प्राइस, और LG 40 इंचज़ को 35,000 रेगुलर प्राइस डिफाइन कर देंगे। अब हम चाहते हैं कि इन दोनों आइटम का अलग अलग टाइप के कस्टमर्स के लिए अलग अलग प्राइसिंग होना चाहिए, तो उसके लिए हम प्राइस लिस्ट बना सकते हैं। तो प्राइस लिस्ट बनाने का ऑप्शन यहाँ पे क्रिएट प्राइस लिस्ट अपीयर होता है। ये ऑप्शन इनेबल करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए हमें एप्लीकेशन सेटिंग्स में जाना रहता है। एप्लीकेशन सेटिंग में सेल सेटिंग्स ओपन करना है, अदर कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स ओपन करना है, और इसके अंदर नीचे से थर्ड ऑप्शन है इनेबल प्राइस लिस्ट इन सेल। ये ऑप्शन एक बार ओपन करने से परमानेंटली यहाँ पे आइटम लिस्ट, आइटम मास्टर के अंदर ये क्रिएट प्राइस लिस्ट वाला ऑप्शन स्टार्ट हो जाता है। अब चलिए एक प्राइस लिस्ट बनाते हैं होलसेलर्स के लिए। तो प्राइस लिस्ट बनाने के लिए ये स्क्रीन के अंदर हमारी जितनी भी आइटम्स हमने आज तक बना के रखी है, जो रेगुलर प्राइस हमने डिफाइन करके रखा है, जो वीडियोकॉन एलईडी स्क्रीन 40 इंचज़ और LG 40 इंचज़ का प्राइस यहाँ पे अपीयर हो रहा है, हमारे जितने भी रनिंग आइटम्स हैं जिनका आइटम मास्टर में जो हमने प्राइस सेट करके रखा वो यहाँ पे अपीयर हो रहा है, और हम उसको प्राइस लिस्ट का नाम दे देंगे होलसेलर्स, और हम यहाँ पे दोनों आइटम को चूज करके यहाँ फर्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे ताकि वो हमारे इस प्राइस लिस्ट के अंदर ऐड हो गए। अब ये दोनों आइटम का हम इस प्राइस लिस्ट के अंदर 1,000 रुपीज़ कम प्राइस रखते हैं। 35,000 वाले आइटम का हमने 34,000 कर दिया और 40,000 वाले आइटम का हमने 39,000 कर दिया। होलसेलर्स के लिए जितने भी होलसेलर कस्टमर्स आएंगे उन सारे होलसेलर कस्टमर्स के लिए हम ये प्राइस सेट कर देंगे और सेव कर देंगे यहाँ पर। अगर दूसरी प्राइस लिस्ट भी हम बनाना चाहते हैं, जैसे कि कोई एडवांस ज़्यादा जो गुड्स लेके जाते हैं और जिनके साथ हमारी डीलिंग ज़्यादा होती है तो उनको और कम प्राइस में देना चाहते हैं, तो उसके लिए हम अलग प्राइस लिस्ट बनाते हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स, और डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए हम कोई और प्राइस रखेंगे। फॉर एग्जांपल, हम डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए दो दो 2,000 रुपीज़ कम करके रखेंगे, जो 35,000 वाली आइटम है उसको 33,000 और 40,000 वाली आइटम को 38,000 में सेल करेंगे, और ये भी प्राइस लिस्ट हम सेव कर देते हैं। यहाँ पर सर्च करके ओपन कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड होलसेलर्स दो प्राइस लिस्ट अवेलेबल है। अब ये दो प्राइस लिस्ट को कैसे मेंटेन करना है? ओके, यहाँ पे हम फिर से देख लेते हैं आइटम मास्टर के अंदर वीडियोकॉन एलईडी स्क्रीन 40 इंचज़ का रेगुलर प्राइस 40,000 है, बट हमने अलग अलग प्राइस लिस्ट के अंदर अलग अलग प्राइस डिफाइन करके रख दिया है। अब हम हमारे जो रेगुलर कस्टमर्स होते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उनको डिस्ट्रीब्यूटर वाली प्राइस लिस्ट सेट असाइन कर देंगे, और होलसेलर्स हैं उनको होलसेलर्स वाली प्राइस लिस्ट असाइन कर देंगे। और यहाँ पे हम कस्टमर मास्टर के अंदर विजय एंटरप्राइज है, विजय एंटरप्राइज को हम यहाँ पे प्राइस लिस्ट के अंदर से होलसेलर प्राइस लिस्ट डिफाइन कर देंगे,
ताकि जब भी विजय एंटरप्राइज के साथ हमारा डीलिंग हो, जब भी हम विजय एंटरप्राइज का बिल बनाएं, ताकि तब जो स्पेसिफाइड आइटम्स है उनकी कम प्राइस ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगी। आइए इसका बिल बनाते हैं विजय एंटरप्राइज का क्रेडिट सेल के अंदर। यहाँ पे हम विजय एंटरप्राइज कस्टमर सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे ऑटोमेटिकली होलसेलर्स नाम की प्राइस लिस्ट ऑटोमेटिक आ गई। अब यहाँ पे हम आइटम चूज करेंगे वीडियोकॉन 40 इंचेस। 40 इंचेस वाली हमने वीडियोकॉन वाली आइटम चूज की तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली 39,000 प्राइस ऑटोमेटिकली आ जाती है। सिमिलरली हम एक और कस्टमर के ऊपर प्राइस लिस्ट डिफाइन करेंगे, जैसे कि नेशनल टिम्बर्स के अंदर हम इसके अंदर प्राइस लिस्ट डिफाइन कर देंगे डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड सेव कर देंगे। अब हम डिस्ट्रीब्यूटर वाला कस्टमर सेलेक्ट करेंगे नेशनल टिम्बर्स, जिसके अंदर ऑटोमेटिकली डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइस लिस्ट आ गई और यहाँ पे हम सेम आइटम चूज करेंगे तब डिस्ट्रीब्यूटर्स वाली प्राइस अप्लाई हो जाएगी 38,000 रुपीज़। सो इस तरह से हमें प्राइस लिस्ट बनाना बिल्कुल आसान है और कोई भी कस्टमर्स के लिए या फिर कोई भी ग्रुप ऑफ कस्टमर्स के लिए हमें प्राइस याद रखने की ज़रूरत नहीं है। हमने यहाँ पे सिर्फ दो आइटम का एग्जांपल लिया, पर अगर आपके इंडस्ट्री के अंदर 5-7 हज़ार आइटम्स भी है अगर, तो आप याद रखने की ज़रूरत नहीं और ऑटोमेटिकली प्राइजेस ऑटोमेटिकली ड्रॉप हो जाएगी। फिर भी आप अगर फ्यूचर के अंदर प्राइस चेंज करना चाहते हैं तो आइटम मास्टर से क्रिएट प्राइस लिस्ट वाला ऑप्शन से आप प्राइसेस चेंज कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई कस्टमर रेगुलर कस्टमर नहीं है और फिर भी वॉक इन कस्टमर आता है और आप कैश सेल बनाते हो, तो कैश सेल के अंदर भी प्राइस लिस्ट चूज कर सकते हो। अगर आपके पास कोई वॉक इन कस्टमर आता है अननोन कस्टमर और वहाँ पे आप प्राइस लिस्ट चूज करना चाहते हैं, तो वहाँ पे आप होलसेलर्स या डिस्ट्रीब्यूटर्स वाली प्राइस लिस्ट चूज कर सकते हैं और वहाँ पे आइटम्स चूज करने पे ऑटोमेटिकली होलसेलर्स वाली ही प्राइस अप्लाई हो जाएगी। ये फीचर आप अपने सॉफ्टवेयर के अंदर भी इनेबल कर सकते हैं और इनेबल करने के लिए अगर कोई कंफ्यूजन्स वगैरह क्वेरी है तो आप सपोर्ट टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसके अंदर और भी एडवांस फीचर्स है, आप यूज़ करते रहिए और हमें इनक्रेज करते रहिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा हम एडवांस फीचर्स प्रोवाइड करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।